सब्सक्राइब कीजिए अभिनव व्लॉग्स चैनल को और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए आइए देखते हैं अभिनव व्लॉग्स की इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी जो कार है मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 3-4 दिन से साफ नहीं किया था, वो सिर्फ इस वीडियो को बनाने के लिए नहीं किया था मैंने, क्योंकि तभी आपको इतना डिफरेंस पता चलेगा कि जो कार का वॉशर है ये बॉश वाला वो कितना मतलब काम का है। सो आप देख सकते हैं सारी जो इसकी साइड्स हैं बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई हैं। अगर आप बैक साइड से देखो तो आपको पता चलेगा। पीछे चले पूरी गाड़ी आने की और ऐसे ना पूरी गाड़ी को घुमा दिया। मैं तेरे लिए शैम्पू ला रहा हूँ। Thank you.
पास जा। पास जा, पास जा, फटाफट मार दो। चलो हो गया, हो गया डिग्गी में। क्या मार दे साइड में, इधर नाउ फ्रेंड्स यू कैन सी द डिफरेंस। वॉशिंग के बाद बहुत ज़्यादा क्लीन हो गई है। और मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर जो मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये लगा कि मुझे इसके अंदर अपने हाथों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा, वरना अगर मैं मैन्युअली अगर खुद वॉश करता हूँ तो बहुत हाथों से रगड़ना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं मुझे करना पड़ा। आप देख सकते हैं साइड्स वगैरह प्रॉपरली क्लीन हो चुकी है। तो बैग भी आप देख सकते हैं प्रॉपरली क्लीन है। अगर मैं और अगर बात करूं मैं इंजन की, तो इंजन से तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हुआ हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है ये। और उस जिसके अंदर की मैंने इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, सिर्फ ऊपर से वॉश किया, बट प्रॉपरली अंदर से प्रॉपरली क्लीन हो चुका है इंजन। सो ये बॉश का वॉशर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी नया व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। सो आपको ऐसी वीडियोस अगर देखनी हो तो अभी नया व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।